हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम या फीस नाम द पिक अप. कैसे हैं आप सब लोग. सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल, यानी कि मैंने पर्पल से अगेन कुछ थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है. आई नो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही काफ़ी अच्छी शॉपिंग की थी पर्पल से, बट बहुत ही अच्छे से डिस्काउंट्स एंड बहुत ही अच्छे से यू नो ऑफर्स आ रहे थे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई एंड अगेन मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीद ली है. सो आज के वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने पर्पल से ये इतना प्रोडक्ट परचेज इतना. सो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो पिक किया है वो है बायोटिक का बायोडेंड्रिलियन विजिबली एजलेस सिरम. सो ये सिरम मैंने ऑलरेडी यूज किया है एंड ये सिरम की दो बॉटल्स मैंने खत्म कर दी है एंड दिस इज माई थर्ड वन, बिकॉज मुझे इतने अफोर्डेबल रेंज में और कोई सिरम नहीं पता था एंड और कोई सिरम मैंने नहीं देखा था अभी तक. सो इसीलिए मैंने अगेन इसे बाय किया है एंड इस पे भी आई थिंक कुछ 30% ऑफ चल रहा था, तो मुझे ये मिला है कुछ 170 रुपीज में. इसके ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 रुपीज है, बट 170 में मिल गया था मुझे. सो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये परचेज किया है. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है आई एम्स्टरडम की ये लिक्विड आईलाइनर एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज ऑसम. लाइक मैंने ये मुझे कल रात को रिसीव हुआ है एंड मैंने यू नो जस्ट प्रोडक्ट्स जब मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या है अंदर, सारे प्रोडक्ट्स हैं नहीं, तो मैंने निकाल कर यहाँ पर जस्ट एक स्ट्रोक कर दिया था. ये रात का है एंड उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैंने रात को फेस वॉश किया था तब मैंने इसको निकालने की ट्राई की, सुबह मैंने फेस वॉश किया तब मैंने इसको निकालने की ट्राई की, लेकिन ये नहीं निकला. सो इतना ब्यूटिफुल लाइनर है ये एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छी ऑफर में मैंने इसे परचेज किया था. सो इसमें ये ऑफर थी कि अगर आप आई एम्स्टरडम के कोई भी 4 प्रोडक्ट्स आपके कार्ट में इंक्लूड करते हो तो आपके सिर्फ जो पे करना है आपको वो 2 प्रोडक्ट्स के लिए करना होगा. सो मैंने इस ऑफर में इसको परचेज किया, इसलिए मैंने आई एम्स्टरडम के 4 प्रोडक्ट्स परचेज किए, जिसकी वजह से मुझे पे करने पड़े सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के लिए एंड 2 प्रोडक्ट्स मेरे फ्री हो गए. सो ये है वो लिक्विड लाइनर एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल एंड कम्प्लीटली मैट है ये, बिकॉज मुझे ग्लॉसी आई लाइनर्स पसंद नहीं है. सो मैट आई लाइनर एंड इसकी प्राइस थी 199 रुपीज. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है आई एम्स्टरडम की बुलेट लिपस्टिक एंड बुलेट लिपस्टिक मैंने ये मैं सच बोलूं तो ये मैंने ऑप्शनल ऐसे ही परचेज कर लिया था बिकॉज ऑफर थी एंड मैं ऑलरेडी 2 कॉम्पैक्ट परचेज कर चुकी थी. लिपस्टिक्स मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक्स थी, उसके बाद मैंने लाइनर परचेज कर लिया था, तो फिर अब मेरे पास बच रहा कुछ नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने लास्टली ये एक बुलेट लिपस्टिक ट्राई करने के लिए मंगवाई एंड आप देख सकते हो लिपस्टिक की पैकेजिंग इज सो गुड एंड ये है वो लिपस्टिक, आप देख सकते हो पिंक कलर की लिपस्टिक मैंने परचेज की है. सो अगेन इसकी भी प्राइस 199 रुपीज थी. सो यू नो मैंने जो 4 प्रोडक्ट्स परचेज किए थे उसकी वजह से 2 के पैसे ही दिए मैंने एंड 2 मेरे फ्री हो गए. सो ये भी 199 की थी. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है आई एम्स्टरडम का कॉम्पैक्ट एंड इसमें मैंने आपको दिखा दूं कि मैंने 2 शेड्स परचेज किए हैं. सो सबसे फर्स्ट जो मैंने शेड परचेज किया है वो मैंने मेरी स्किन टोन का परचेज किया है. ये देख लेते हैं कौन सा है. ओके, सो ये डार्क वाला है. सो मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ. सो सबसे फर्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो मैंने एकदम डार्क शेड परचेज किया है. अब आप पूछेंगे इतना डार्क क्यों. सो ये डार्क शेड मैंने परचेज किया है कॉन्ट्रोल करने के लिए कि यू नो जब आपको बहुत ही लाइट कॉन्ट्रोलिंग चाहिए तो उसके लिए इस टाइप का पाउडर काफी अच्छा रहता है. सो इस वजह से मैंने ये परचेज किया है. इसकी प्राइस अगेन 199 थी. सो टोटल 199 के अगर आप 4 प्रोडक्ट्स परचेज करोगे तो आपको पे करने हैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के पैसे. सो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने ये मंगवाया, ये परचेज किया कॉम्पैक्ट एंड उसके बाद जो है ये वाला शायद मेरा शेड होगा. हाँ, सो ये वाला फिर मैंने दूसरा मंगवाया. सो ये शेड है क्या है ये शेड नंबर 3 मंगवाया एंड आप देख सकते हैं इसमें SPF 50 भी दे रखा है यार. 199 में SPF 50 के साथ कॉम्पैक्ट एंड मिरर है, अंदर आपको एप्लीकेशन के लिए स्पॉन्ज भी दी गई है, तो काफी अच्छी चीज हो गई. नहीं सो या ये मंगवाना मैंने. अब चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स पे. सो नेक्स्ट मैंने परचेज की है, मुझे पता है मैंने लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा परचेज कर ली अभी, बट मैं अपने आपको रोक ही नहीं पा रही थी बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे से डील्स चल रही थी. सो मैंने परचेज की है पर्पल की ये 2 लिक्विड लिपस्टिक्स एंड इन लिक्विड लिपस्टिक्स की प्राइस है 499 रुपीज पर लिपस्टिक. तो ये लिक्विड लिपस्टिक मैंने परचेज किया 250 रुपीज में. इसके एक्चुअल प्राइस 500 रुपीज है, बट मैंने इसको परचेज किया 250 रुपीज में, यानी कि अगेन 50% डिस्काउंट चल रहा था.
सो उसमें मैंने ये दो पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक्स परचेज की है. शेड्स मैं आपको दिखा दूंगी. शेड है माई फर्स्ट BAE एंड दूसरा है माई फर्स्ट वेके, यानी कि एक मैंने रेड परचेज किया है, एक मैंने थोड़ा सा यू नो मरूनिश टाइप का परचेज किया है शेड. उसके बाद मैंने परचेज किया पर्पल का ये लिप क्रेयॉन. सो यू नो लिप क्रेयॉन में टोटल फोर शेड्स अवेलेबल है एंड मैं फोर के फोर शेड्स नहीं मंगवाना चाहती थी, सो इसीलिए मैंने जस्ट एक ही शेड अप्लाई ट्राई करने के लिए मंगवाया है. मैंने रेड शेड मंगवाया है एंड आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है. स्वॉच दिखाती हूँ एंड आप सोचेंगे क्रेयॉन्स मैट कैसे हो सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, ये मैट है, बहुत ही ब्यूटीफुली मैट है. ऑब्वियसली इन सारी चीजों के जो रिव्यूज आएंगे आपको उसमें पता चल जाएगा. ओके सो नेक्स्ट मैंने परचेज किए हैं स्टेक वर्की की ये बैडेस लिक्विड लिपस्टिक्स. सो इसकी काफी रिक्वेस्ट थी मुझे कि मैं इन लिपस्टिक्स के रिव्यू करूं, सो इसीलिए मैंने इन लिपस्टिक को परचेज किया है. ये लिपस्टिक मैंने परचेज की है 163 rupees ईच एंड आप देख सकते हो यार कितनी ब्यूटीफुल है लिपस्टिक की पैकेजिंग ही कितनी ब्यूटीफुल है ना. मुझे बहुत पसंद आई इसकी पैकेजिंग, बहुत ही छोटी सी कॉम्पैक्ट सी है. सो नेक्स्ट मैंने ये दो शेड इसमें परचेज किए थे. सो ये शेड है हार्ड टू रेजिस्ट दैट एंड दूसरा जो शेड परचेज किया है मैंने वो है सुपराइज शावर. सो दो शेड परचेज किए मैंने एंड जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है स्टेक वर्की की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक है ये भी. अब ये भी 449 rupees की है, 450 rupees की एंड ये मैंने परचेज की है 225 rupees की. यानी ऑलमोस्ट सारी लिक्विड लिपस्टिक्स मैंने 50% के डिस्काउंट में परचेज किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 400 या 500 की लिपस्टिक्स वर्थ है परचेज करना. सो मैं इतनी कॉस्टली लिपस्टिक्स कभी परचेज नहीं करती हूँ. सो जब भी मुझे लिपस्टिक परचेज करनी होती है मैं कोई अच्छी सी डील की वेट करती हूँ एंड जब कोई अच्छी सी डील आती है मैं उसमें ही लिपस्टिक्स या कुछ भी जो मुझे परचेज करना होता है वो मैं परचेज करती हूँ. सो जब भी आपको कुछ अच्छा लगे ना उसको एड टू कार्ट करके रखिए एंड जब उसमें अच्छा सा डिस्काउंट आए तब उसे परचेज करिए. एंड मैंने ये शेड परचेज किया है स्टेक वर्की का एंड ओ माय गॉड ट्रस्ट मी गाइस लिपस्टिक इज अमेजिंग. ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल है इसके स्वॉचेस एंड पूरा रिव्यू मैं आपको करके दिखाऊंगी. तो यस गाइस यही कुछ छोटी मोटी चीजें मैंने मंगवाई थी पर्पल से एंड पर्पल पर अभी क्रिसमस के लिए भी बहुत सारी एंड बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं उस पर. यू नो ऑब्वियसली डिस्काउंट्स आते रहते हैं. सो अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं एंड बहुत सारी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो purplle.com पर जाइए, वहां पर चेकआउट कीजिए. आई एम श्योर आपको अच्छी से अच्छी डील्स वहां पर मिल जाएगी एंड यू नो काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहां पे. बिकॉज मैंने लिपस्टिक जो अभी रिसेंटली परचेज की है, मैंने काफी ज्यादा लिपस्टिक परचेज कर लिया रिसेंटली. सो सब कुछ मैंने हाफ प्राइस में परचेज किया है. कोई भी लिपस्टिक या किसी भी लिपस्टिक का मैंने फुल पे नहीं किया है. लाइक अगर 500 है तो मैंने 500 किसी के भी पे नहीं किए हैं. सो मैंने हर चीज को 50% डिस्काउंट में परचेज किया है. बस ये है कि मैंने थोड़े से पेशेंस रखे थे. सो सेम आपको भी करना है. यस गाइस यही था मेरा एक छोटा सा मिनी सा पर्पल हॉल. आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. सो यस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस.